हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आर के गौरव भट्टर। फ्रेंड्स, दोस हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद थियोरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मैं सिर्फ खाली इसमें क्या है वो बताऊँगा, पूरा प्रूफ मैं यहाँ पर नहीं करके बताऊँगा। क्यों? क्योंकि ये जो थियोरम है वो हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.4 में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है उसके ऊपर मैं बनाऊँगा बराबर ये वीडियो। तो अब जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थियोरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। क्या है ये, जरा पार्ट्स पार्ट्स में पढ़ते हैं हम लोग। देखो, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर क्या है, यहाँ पे दो जो ट्रायंगल दिए हैं, समझो ट्रायंगल ABC और PQR, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। फिर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, अब देखो इनका जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू इनके जो साइड्स होंगे ना, साइड्स मतलब क्या है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये AB का करस्पॉन्डिंग साइड हो गया ये ट्रायंगल का PQ, अब BC का करस्पॉन्डिंग साइड ये ट्रायंगल का क्या होएगा, QR, और AC का ये हो जाएगा PR, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट ये जो थियोरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाँ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB² अपॉन PQ² BC² अपॉन QR² AC² अपॉन PR², ये कहाँ से मिलता है हम लोगों को, थियोरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एकदम इजी सी चीज थी जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के फर्स्ट सम की ओर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रू ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने समझा था ये क्या है, एरिया लिखा हुआ था, फिर ये करस्पॉन्डिंग साइड, हम लोगों को इसका रेशियो दे करके रखा हुआ है, हम लोगों को एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कोई बिग इशू नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों को क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। 3:5 मतलब ये क्या होएगा, ये एक साइड होएगा और ये दूसरा साइड होएगा। तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, साइड वन डिवाइडेड बाय साइड टू इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3/5, ठीक है। अब आगे क्या पता चल रहा है हम लोगों को, बोथ ट्राइंगल्स आर क्या है, ये सिमिलर है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, A1 मतलब एरिया वन, और ये आ जाएगा एरिया टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये S साइड वन द होल स्क्वायर अपॉन साइड टू द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये करना है हम लोगों को। अब हम लोगों का साइड वन कितना था, 3 था, ये 5 था, तो मैं क्या करूँगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 द होल स्क्वायर अपॉन 5 द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये एरिया वन अपॉन एरिया टू इज इक्वल टू 3 3 9, 5 5 कितना हो गया, 25। तो 9/25 हमको रेशो आ गया है। अब इसका वापस से स्क्वायर वगैरह कुछ रिमूव नहीं करना है, ठीक है ना। तो देयर फॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना क्या, कि A1:2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9:25। तो अब लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है हम लोगों को, रेशो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 9:25। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम लोगों का सम नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आ जाते हैं सम नंबर 2 पे। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, ठीक है ना, ABC सिमिलर है PQR से, AB:PQ कितना दिया है, 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स, हमको खाली
फिल करना है जो भी ब्लैंक्स है उसको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एबी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा पीक्यू स्क्वायर, ठीक है ना, पीक्यू स्क्वायर ये कितना था 2 और ये था 4, तो क्या हो जाएगा 2 जार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/9। बस इतना सा करना था। सेकेंड सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आ जाते हैं अब सम नंबर 3 की ओर। तो क्या दिया है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 80 और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 125, ठीक है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। वापिस से हम लोगों को ब्लैंक्स को फिल करना है। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा हमारा, ये तो हो गया, ठीक है ना, 80 अपॉन 125 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, हम लोगों को इसको क्या करना रहेगा शॉर्ट में करना रहेगा। तो ये 80 और 125 ये तो हम लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें मालूम है क्या, 16/5 करता हूँ मैं, क्या करता हूँ इसको 16/5 सर कितना होता है हमारा 80 हो जाता है, और 25/5 कितना हो जाता है, ये ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर ही है अभी भी, हाँ, तो ये इसको स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने। फिर क्या आएगा, 5/5 विल गेट कैंसल। फिर अब रिमूविंग स्क्वायर, जब हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो इसी के साथ में हमारा ये थर्ड सम भी कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या करना था आपको समझा, तो ए बी स्क्वायर हम लोगों ने इसको स्क्वायर किया, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर ये तो किया वही था, बट मैंने ये शो करने के लिए यहाँ पे बताया आपको एक स्टेप। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये हो जाएगा तुम्हारा 16 फाइजर, हम लोगों को एक कॉमन से मल्टीपल करना है ताकि वो कॉमन चीज कट जावे, ठीक है ना, और ये 25/5 हम लोगों ने ऐसे ही नंबर को ढूंढा जो कि क्या है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 और 25 का 5, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 4/5। सो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा थर्ड सम भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब बढ़ते हैं सम नंबर 4 की ओर। तो फोर्थ सम हम लोग करने से पहले उसको जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन, तो ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू PQR, ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोगों को गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन ट्रायंगल LMN, ठीक है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और दूसरा क्या गिवन है, तो ये भी लिख लो आप, तो 9/ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16/ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है, ये भी हम लोगों को गिवन है। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड हम लोगों को करना है MN, हमको MN फाइंड करना है। तो इसका सल्यूशन अब हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना है वो देखो, तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ लिखना है ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये क्या है हमारा गिवन है। उसके बाद में मैं क्या लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसी को यूज़ करके हम लोगों को इसको स्क्वायर में लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग फर्स्ट टू लेटर्स पकड़ेंगे यहाँ का, LM स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, फिर सेकंड और थर्ड को इज इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट और लास्ट को, तो LN स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये क्या है हमारा
थियरम ऑन एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स से हम लोगों को ये आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे, किसको, ये जो सेकंड गिवन है उसको हम लोग यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होएगा, ये पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। अब हम लोगों ने एक बात यहाँ पे देख लिया है, क्या है कि हम लोगों ने ये रेशो किस तरीके से निकाला था इसका, एल एम एन इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन हम लोगों ने ऊपर लिखा था, पी क्यू आर नीचे लिखा था। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को यहाँ पे भी क्या करना है मालूम है क्या, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन हम यहाँ लिख देते हैं, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोगों ने कहाँ लिख दिया है, उसके नीचे मतलब डिनोमिनेटर में। फिर एल एम एन, अब देखो इससे इनटू में है ना ये 9, तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा, ये यहाँ पे होएगा तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसके इनटू में जाएगा, और ये 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन के मल्टीप्लिकेशन में है, तो जाहिर सी बात है ये इधर होएगा 16, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो हम लोगों ने ये लिख दिया, हम लोगों को यहाँ से ये पता चल गया कि एल एम एन एरिया एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो क्या है, 9:16 है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एम एन फाइंड करना है, तो हम लोग कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे बराबर हमारे सम में। तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पे तो हम लिख देंगे 9/16 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को एक और एक चीज हम लोगों को गिवन में दिया हुआ है, क्यू आर इज इक्वल टू 20, ये भी हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स, तो जैसे ये 3/4 हो गया और ये एम एन अपॉन क्यू आर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखो हम लोगों को एम एन फाइंड करना है, हम लोगों को क्यू आर दिया हुआ है सम में, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो मैं अब अगले स्टेप में 3/4 इज इक्वल टू एम एन अपॉन 20, क्यों ऐसा किया मैंने, तो सिंस क्यू आर इज इक्वल टू 20 ये पता है हम लोगों को। फिर अब अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एम एन इज इक्वल टू ये 3 × 20/4, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × mn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों को, 3 × 5 = 15। तो इसी के साथ में हमारा फोर्थ सम भी कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स हम लोग